आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर कमेंट करने के लिए आपको दिया जाता 5 सेकंड का टाइम। आपका टाइम होता है स्टार्ट अब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन टू, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी दादा भाई नायरोजी, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। आपका टाइम होता है स्टार्ट अब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहते हैं। आपका क्वेश्चन थ्री है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1918। आपका टाइम होता है स्टार्ट अब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1912। 22 मार्च 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। आपका क्वेश्चन फोर है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड कार्निवालिस। आपका टाइम होता है स्टार्ट अब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड कार्निवालिस। आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइव, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी केरल। आपका टाइमिंग होता है स्टार्ट अब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च तमिलनाडु में स्थित है। और फ्रेंड्स, जाने से पहले अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे रोज़ के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।